बिखर चुके थे भाई, और तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता था, पर फिर भी जितना हो सका मैंने किया, और तब तेरी फटी हुई थी, पर खैर ठीक है। और जब तेरी फटती है ना तब तू लीगल लीगल करता है, और जब तेरी नहीं फटती है तो तब तू, मैं एग्जांपल बना दूंगा इंटरनेट पे। अबे क्यों, जब हम फैक्ट और फिगर के बेसिस पे बात कर रहे हैं तब तू लीगल लीगल करेगा, मैं लीगली डालूंगा, स्क्रीनशॉट लूंगा, ये पोस्ट करूंगा, ये एलिगेशन लगा तू एलिगेशन। लाइव फिटनेस का स्कैम तेरा, हंग बटर का स्कैम तेरा, पीनट बटर का स्कैम तेरा, मनोज पाटिल को तू अभी तक 3 महीने की फीस नहीं दिया हा? और ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को तूने फीस नहीं दिए, क्या करेगा? जेफ के पास आते हैं, तूने जेफ के पिक्चर्स यूज करे। अबे सुन एहसान मान मेरा, कि जेफ तेरे पे ना एम्बेसी से केस करवाने वाला था यूएस से, उसके लॉयर से $50,000 का तेरे पे जो ड्यू लगता था तेरी फटके चार हो जानी थी, पर मैंने बचाया तुझे, समझ में आया? इतना सब होने के बाद मेरा मीम बन चुका था, मेरे पे मजाक बनाया, मेरे को तूने गे बोला। अबे तू खुद गे होगा, मुझे क्यों गे बोल रहा है? मुझे मेरी मर्दानगी दिखाने की तुझे कोई जरूरत है नहीं, और मेरे आसपास के लोग अच्छे बताए कि भाई ये भाई अच्छा खासा मर्द है। पर ठीक है यार, तूने जो भी किया, तेरे लोगों ने जो भी किया, मैंने बोला चल ठीक है, मेरे अपने थे, इनके साथ खाया पिया बैठा हूं मैं। अब जेफ लिटरली चिढ़ चुका था, तब तूने क्या किया? डिप्लोमेट आंसर, अरे वो एक्सीडेंटली ना हम लोग बैनर छपा रहे थे, उसमें से ये वाले फोटो का भी बैनर छप गया, तेरी ना लग जाती थी बेटा, मतलब मैंने बचाया तुझे। मैंने ये चक्कर में बोला कि यार चल हो गया, क्योंकि जेफ ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया था कि तूने उसको क्या डिप्लोमेटिक आंसर दिया, वो जो ग्रुप चैट जो था तेरा माय फिटनेस पीनट बटर का। तुझे क्या लगता है मुझे तेरे यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती? अबे तेरे को मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलती हो, क्योंकि मुझे ना तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है पहली चीज। तू कुछ भी कर, जब तूने उस दिन माँ बहन की गाली देना तो तभी मेरे दिल से निकल चुका था, पर तभी मैंने बोला कि यार चल ठीक है, यार तुमने मुझे गुस्से में बोला होगा, बट जब तूने मुझे फक्यू बोल के जब मुझे ब्लॉक किया ना, तो मैं समझ गया कि तेरी ना फट चुकी है, समझ में आया? मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं तुझसे, तूने मेरी आईडी हैक करने की कोशिश करी, तूने मेरे पे मीम्स बनवाया, सब किया, अबे क्यों? ना मैं तेरे से बात कर रहा हूं, ना मेरे को तेरे से लेना देना है, तूने रिश्ते तोड़ दिए, मैंने भी तोड़ दिए, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो तू क्यों कर रहा है? मेरी मर्जी, मैं तेरे से ना बातचीत करने के बाद मैं जबीन के साथ बैठूं, मैं शुरू के साथ खाऊं, मनीष के साथ पीऊं, तुझे क्या लेना देना है? उनके साथ तेरा लफड़ा है, तेरा मेरा झगड़ा वहीं हुआ, वहीं खत्म हुआ, तूने मुझे इंसल्ट किया, मुझे एकदम खराब फील कराया। जेफ जैसे बंदे को रियलाइज हुआ आज वो तेरे साथ नहीं है, समझ में आया? जब जेफ को तेरे बारे में मालूम पड़ा, जेफ को जब ये मालूम पड़ा कि तूने अपने डाल दिया रियल मिक्स प्रमोटेड बाय जेफ साइड, अबे तूने उसको पे भी नहीं किया था, समझ में आया? पूरी स्टोरी मेरे को मालूम है, पर खैर मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि इतना सोच ले, अगर जेफ इस मैटर में बीच में आ गया ना, तो यहां तक तू इंडिया के लोकल लोगों से गाली खा रहा है, अगर वो और सैद बीच में आ गया ना, तो तू 18 कंट्रियों के अलग अलग लैंग्वेज में गालियां खाएगा, समझ में आया? जो तेरी औकात से बाहर है, क्योंकि तू बाहर जाता है इंडिया के, तुझे कोई पूछता नहीं है, कोई थूकता नहीं तेरे मुंह पे, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो इंडिया के कोई भी कंट्री में जाते हैं ना, तो उस कंट्री के एयरपोर्ट में ना भीड़ जम जाती है, समझ में आया तुझे? तू ऐसे लोगों को इतना डिसरिस्पेक्ट करता है। अतिथि देवो भव इंडिया में, उसका मतलब क्या होता है? हमारे जो गेस्ट आते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सिक्योरिटी, उनका बोलते ना उन्हें एक जेस्चर की तरह उसे ट्रीट करना है, तूने उन्हें कुत्ते की तरह ट्रीट किया, उन्हें एकदम ऐसा फील करा कि मतलब क्या बीच बॉडी पे गेस्ट पोजिंग चल रहा है और तूने 10 लोगों को वहां पे डाल दिया, अबे क्या हिसाब से तूने डाला उन लोगों को? गेस्ट पोजिंग का मतलब समझ में आ रहा है तुझे? एक शो ऑर्गेनाइज कैसे होता है तुझे वो मालूम है? हाँ, इतना बड़ा फेक आदमी बनता है, तेरे को 2 कोड़ी की अक्ल नहीं है, तेरे लोग मेरे बारे में वीडियो बना रहे के ना इसकी सेकेंड हैंड बाइक है, अबे तो तेरी कौन सी फर्स्ट हैंड मर्सिडीज है बे? किसकी गाड़ी लेके घूम रहा है मेरे को मालूम नहीं है, तू जिस घर में रहता है वो किसके पर रजिस्टर्ड है मेरे को मालूम नहीं है। मैंने कुछ बोला उस दौरान पे, मैं फिर भी चुप रहा, मैंने बोला नहीं यार अपने लोग है, कुछ रहेगा, एक टाइम आएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। मैं जो तुम लोगों को प्यार से कुछ समझ में आता नहीं है, जब मैंने कुछ नहीं किया तो तू क्यों इन लोगों को बोल रहा है मेरे पे अटैक करने के लिए, और तू तो मेरी आईडी हैक करेगा? अबे तेरे को क्या लगता है क्या मेरा घर क्या है, इंस्टाग्राम से चलता है, बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, माइनर से तूने हैक करवाया, तेरे को शर्म नहीं आती? इतना याद रख बेटा, तेरे को तो मैं कोर्ट में मिलने वाला हूं, क्योंकि वन ऑफ द विक्टिम में से मैं हूं, भले फर्स्ट कंप्लेनर भले करण है और बाकी के लोग है, बट उसमें से मैं भी एक हूं, और मेरा भी लॉयर इसमें ऐड हुआ है, और वो भी बात करेगा, और जब मेरा लॉयर मिलेगा ना तेरे को, तब वो भी इस बारे में बात करेगा। और तू बना वीडियो, तू कितने वीडियो बनाएगा? तेरे को अक्ल नहीं है, तू अपने को आइकन बोलता है, एक ट्रू लीडर, एक ट्रू आइकन, एक ट्रू फिटनेस एंटरप्रेन्योर, वो कभी भी अपने अपने फॉलोवर्स को, अपने फैंस को बैड इन्फ्लुएंस नहीं देगा। अब बैड इन्फ्लुएंस से मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि तू लड़कियों के ऐस फाड़ या कुछ भी कर, तू लड़कियों के साथ घूम फिर ठीक है, इट्स लाइफस्टाइल, तू वीडियो बनाता है, तू भाड़ी की जिंदगी जी रहा है, तू करता है, तू एक रोलेक्स घड़ी भी ले लेता है ना, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना लेता है। तुझे ये नहीं मालूम है कि हम लोग जो पर्सनली लेके घूमते हैं ना, हम नहीं बनाते वीडियो,
तू 40,000 का एक परफ्यूम लेता है, तू इतना आप झाड़ता है उस बारे में, अबे तुझे क्या मालूम है कि मैं कौन सा परफ्यूम यूज करता हूँ और मनीष गांधी और बाकी के लोग जितने भी लोग क्या परफ्यूम यूज करते हैं। अबे वो छोड़, जो तेरे फॉलोवर है उसमें से ऐसे कितने बिग शॉट लोग हैं जो मुझे भी जानते हैं, तेरे मेरे म्यूचुअल फॉलोवर है, वो फेमस नहीं है पर पैसा बहुत है उन लोगों के पास, और वो लोग ये सब करते जो तू कर रहा है और तेरे से भी ज्यादा एक्सपेंसिव करते, पर तू तो बड़ा चुतिया आदमी है ना कि तू हर चीज के लिए वीडियो बना देता है। पर खैर वो भी ठीक है, मेरे को तेरे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात ये आती है कि तू उंगली क्यों कर रहा है, मेरे से क्या प्रॉब्लम है तेरे को, तुझे इतनी इज्जत दी और तूने रिटर्न में क्या किया। अब बात यह आती है कि ये सारी चीजें होने के बाद होगा क्या, पहली चीज तू साले बोलेगा सॉरी नाम लेकर, तू अग्री करेगा तूने क्या किया, अगर तू नहीं करेगा ना तो उसका क्या होने वाला ना रिएक्शन, वो मैं बोलूंगा नहीं, वो मैं कर दूंगा क्योंकि बोलने में मजा नहीं आ रहा है मुझे, समझ में आया, तेरा उन लोगों का लफड़ा तू लड़, बर रही बात मेरी ना तो मैं इन लोगों के साथ इस चीज में जरूर बोलूंगा कि तेरा कोई हक नहीं बनता, तू एथलीट के साथ वो बोलता है और तू उनकी आईडिया हैक करवाता है, तेरे को लगता है कि इन लोगों का सोशल हैंडल से अगर इनका वजूद गिर जाएगा तो इन लोगों का कुछ होगा नहीं, अबे तुझे कुछ मालूम नहीं है सिस्टम में क्या चल रहा है, सिस्टम के साथ तू कनेक्टेड अभी तक है भी नहीं, तू कितने भी कॉन्टेक्ट बना ले तो अभी तक सिस्टम से जुड़ा हुआ नहीं है, तुझे सिस्टम में जुड़ने के लिए ना तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तू नेक्स्ट लेवल पे जाए, तू बहुत बड़ा यहूदी आदमी है, समझ में आया तुझे, तू कितना भी इल्यूमिनाटी ये वो फॉलो कर ले तू वहां तक नहीं पहुंच पाएगा भाई, क्योंकि वो ऊपर वाला बैठा है ना वो सब देख रहा है और उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब। और थैंक यू तूने जितना भी ड्रामा किया, क्योंकि आज मैं एक इंटरनेशनल शो का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ 24 साल की उम्र में, आज न्यूज चैनल मेरे बारे में बोल रहा है और मुझे उस चीज का बहुत प्राउड फील होता है, बट वही चीज में मैं ये सोचता हूँ कि हाँ यार ऊपर वाले ने जो भी किया अच्छा किया, जो मुझे तेरा ये नजारा दिखाया, तभी जाके जेफ ने ये बोला कि मुझे तेरे और निक के साथ शो नहीं करना, मैं हमदान के साथ शो करूंगा क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करता है, एंड दैट इज द रीजन आई प्रूव्ड हिम कि वी हैड अ वेरी ग्रेट एंड सक्सेसफुल शो। तेरा कुछ नहीं हो सकता, आइंदा मेरे या मेरे लोगों के आसपास भी कहीं भी तेरा कुछ भी मिला आईडी हैक से लेके या कुछ भी, तेरे पे केस तो चालू है, उसका क्या आउटकम निकलेगा वो मुझे मालूम है, बट फिर भी मैं उसको अभी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता उस बारे में, बट कुछ भी अगर तूने अगर अभी किया इतना याद रखना भाई तू बहुत बड़ा अटकने वाला है। और मैं अभी फिर भी बहुत तमीज से बात कर लिया हूं, बहुत तमीज से, अगर तूने इसके रिप्लाई में एक वीडियो बना रहा है तो ये शेरू वेरू का जो तू वीडियो बना रहा है ना उसकी तू पुरानी पेंटिंग बना रहा है, वो तेरी नई पेंटिंग बना रहा है, तू नई पेंटिंग के बारे में बात कर ना, जितने भी जो तूने स्कैम की हैक की इसके बारे में बात कर, फेडरेशन शो प्रो कार्ड प्लास्टिक कार्ड की बात कर रहा है, फिर तू घूम जाता है पलट देता है तेरी बातें, वो तो मुझे मालूम ही है पिछले 6 साल में। इतना याद रख, दूर रह इन सब चीजों से, अच्छा इन्फ्लुएंस दे लोगों को, एनकरेज मत कर कि भाई तुम ऐसे अटैक करो, कोई अगर बंदा रिप्लाई करता है भाई आपके हेटर ने ऐसा लिखा ये बोला उनकी जलरी होगी तो तू उस पे और बोलता हाँ आप तो और जलेगी और बताऊंगा, ये तेरा फर्ज नहीं होता है, तू यूथ आइकन है ना, तेरे को मैं बताता हूँ यूथ आइकन का मतलब क्या होता है, सलमान खान शाहरुख खान इतने बड़े बड़े लोग हैं इनके बारे में क्या नहीं बनता है बे, क्या नहीं बनता है इन लोग के बारे में, इन लोग के बारे में पूरी ना मीम बन जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, ये लोग एक एक को रिप्लाई देते बैठते हैं, तो अपने आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बोलता है तो तेरे पास इतना वेल्ला टाइम कैसे है कि कोई एक बंदा भी अगर तेरे बारे में हेटरेड मैसेज डालता है तू उसको बोलता मैं इतिहास बना दूंगा, इतिहास तो तू अब बन गए, अगर हम यूट्यूब पे डालते हैं फेक फिटनेस आइकन तू दिखता है हमें, तू इतिहास बन गया, तू इतिहास बनाएगा, हर चीज में इंडियाज फर्स्ट, हर चीज में इंडियाज फर्स्ट, अबे कहां से भाई कहां से, हर चीज में इंडियाज फर्स्ट, तेरा बीच तेरा जिम नहीं चला, तेरे को इतनी नाम की अक्कल नाम की चीज नहीं है, गोवा खैर छोड़ यार मैं क्यों बोल रहा हूं उस बारे में भी, तूने आइडिया करके बहुत गलत किया है, इतना याद रख, अब टपाटप है भाई, समझ में आ गया, और अगर तू ये जो वीडियो देख रहा है ना और इस बारे में अगर तेरे को कुछ बनाना है ना मेरे को लेके तो तू बना, मैं तो चाहता हूं तू बना, मैंने तुझे इतनी बार कॉल भी किया पर तूने मुझे ब्लॉक करके रखा है, तू बना वीडियो, तेरे अंदर दम है ना, तू बना बना वीडियो, मेरे को भी देखना तू क्या बोलता है इस बारे में कि हमदान के साथ क्या हुआ, क्या स्टोरी बनाएगा ना, तू बना, क्योंकि अगर मैंने जेफ और सैद को लेके आ गया ना तो तू 18 कंट्री से गालियां खाएगा, तू 18 कंट्री से, इतना याद रख, इतना होल्ड है इन लोगों का, तूने इतने बड़े बड़े स्टार्स को इतना तूने गलत तरीके से ट्रीट किया है, हाँ तेरे को शर्म नहीं आती साले, नाम डुबाता इंडिया का, बोलता है मैं इंडिया का फिटनेस आइकन हूं, तूने किया क्या इंडस्ट्री के लिए, सारे तेरे ऐसे लोगों के वजह से ना हम जैसे लोगों को बीच में आना पड़ता है, और बात कर रहा है शुरू के बारे में मनीष गांधी के बारे में, एटलीस्ट उन लोगों ने कुछ लाखे तो दिए है, तूने क्या करके दिए है बे, हाँ एक एक चीज पॉइंट कर रहा है
और एक बात बता, चल अभी ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, 33 मिनट हो गया, वैसे भी 21 दिन के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है लॉक्ड है, तो लोग देख लेंगे ये वीडियो। हाँ, अब तू बोलता है कि हर चीज सस्ती करो, आई नो मैं तेरे वो वाले मैटर में जा रहा हूँ, मेरा बनना बनता नहीं है, बट एज अ फिटनेस एंटरप्रेन्योर मेरा हक बनता है, और एज अ कंज्यूमर, एज एन एथलीट मैं इस चक्कर में बोल रहा हूँ, कीपिंग देम असाइड, कीपिंग योर फाइट बिटवीन शुरू एंड दिस थिंग असाइड, तू कहता है कि एथलीट का सोचो, एथलीट का सोचो, तो तू साले किस चीज का 65,000 ले रहा है कोचिंग का? इसके बारे में तू जवाब दे, इसके बारे में तू वीडियो बनाता नहीं है, तू पुरानी प्रिंटिंग बना रहा है शिरू अंग्रेशन की। दूसरा, तेरा सप्लीमेंट वो पुराने आइटम को तू नया पेपर लगा के तू बेच रहा है, और तू बोलता ये है, चल वो भी ठीक है यार, लोग करते हैं मार्केटिंग के लिए, और तू तो भाड़ी की जिंदगी जीता ही है, तो खैर वो भी ठीक है। अब तू वो करने के बाद तू उसका प्राइस इतना एक्सपेंसिव रख रहा है, तू बोलता 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रॉस हो गए, अबे इंडस्ट्री के नामचीन डिस्ट्रीब्यूटर्स तो मेरे कॉन्टेक्ट में, सबको मैंने फोन लगा के पूछा भाई लिया कैसा जा रहा है, कोई बोलता है भाई मैं तो हाथ ही नहीं डाल रहा प्राइस देख के, क्योंकि साला इतना प्राइस आइसोलेट का लेगा कौन, कौन लेगा। ये तेरा दूसरा हो गया। अब तीसरा, तू बोलता है इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव जिम खोल रहा हूं, क्यों क्यों, सस्ता खोल, फ्री कर प्रो एथलीट्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर कंप्लीटली, आएंगे अंदर फ्री में सारे सीनियर सिटीजन 55 प्लस 40 प्लस कर, खैर तू 40 प्लस है तो तू अपने आप को सीनियर सिटीजन में गिनेगा, नहीं नहीं 50 प्लस कर। अब उसके बाद तेरा सप्लीमेंट का गिरा, मार्केट गिरा, रख एकदम सस्ता 3,500-4,000 का प्रोटीन रख, 2,000-2,500 का 2,500-2,800 का रख, मसल ब्लेस के लेवल पे रख, तू खुद कुछ सस्ती नहीं करता है, बाद में तू बोलता है प्रीमियम क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी, ये क्वालिटी, तो ये लोग क्या प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, क्या बकवास है बे, तू खुद तेरी एक चीज पे रहता नहीं है। वो सिद्धांत जसवाल भाई ने एक वीडियो डाला था, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, तू वही हरकत कर रहा है, शर्म कर बे, शर्म कर, समझ में आया क्या? मैं वो बंदा हूं, अब तूने ध्यान से सुन, थोड़ा करीब आके बोलता हूं क्योंकि तू मुझे देख रहा है, मुझे मालूम है, जो बंदा तुझे साहिल भाई बोलता था, तेरी इतनी इज्जत करता था, तेरे हर चीज में खड़ा रहता था, हंग वाटर में तेरा मैटर हो रहा, तेरी फैक्ट्री में मुझे नींद से उठा के बुलाया, ऐसे तो 6 साल में बहुत सारी चीजें हुई, बट मैं फिलहाल वो बोल रहा हूँ जो अभी इस मोमेंट में मुझे याद आ रही है, कि तेरी इतनी चीजों में तेरे लिए खड़ा था, मुझे फोन करके बुलाया गया कि नहीं हमदान तुम भी आओ, तुम भी आओ, मैं नींद से उठ के अपना छोड़ छाड़ के, अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के, अपना ऑफिस वर्क छोड़ के मैं आया तेरे लिए, हर चीज में मैंने तेरा साथ दिया, गलत सही देखा नहीं, मैंने बोला नहीं यार भाई कर रहे सही के लिए कर रहे होंगे, मैं इतना अन्ना धुन हो गया तेरे प्यार में कि मैं मानता हूं इस बंदे को एज अ फैन, एज अ ब्रदर, तू क्या करता था भाई, और तू लोगों को ये सब बोलता है। आज तूने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं तेरे बारे में ऐसा बोल रहा हूं, हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है, तेरे को मालूम है अपन कैसे पठाने, कट्टर वो भी, तेरी तरह यहूदी नहीं हूं मैं, बट फिर भी सोच कि तूने मुझे इस चीज का एक हिम्मत दे दी कि मैं तेरे बारे में बोल रहा हूं, तेरे को एक्सपोज कर रहा हूं, तेरी हरकतें बता रहा हूं जो 6 साल में तेरे साथ रहा हूं, और प्लस मैं तुझसे इस तरीके से बात कर रहा हूं, तूने मुझे वो हिम्मत दी, तूने वैसा एक व्यवहार रखा है मेरे साथ, डूड यू गॉट बी अलर्ट, ट्रस्ट मी, वरना जो तू डायलॉग मारता ना बहुत लंबा आएगा, बड़ा आएगा, आएगा किसी का आए नहीं आए, मेरा जरूर आएगा, बहुत बड़ा आएगा तुझे, समझ में आया ना, और तू लगा बना इस पे वीडियो, मैं भी देखता तू क्या बोलता है, समझ ले बेटा मत पड़ इस चीज में, समझा, काम करो, कांड मत करो, वन लाइफ, क्या वन लाइफ बे, क्या वन लाइफ, लोगों को तू बैड इन्फ्लुएंस देता है वन लाइफ के बारे में, तुझे पता है वन लाइफ एक जिंदगी क्या होती है, ये भाई बहुत चीजें, ये जो ये हमारे सो कॉल्ड साहिल खान है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसकी एक्सपोजिंग लिस्ट खत्म नहीं होगी, 6 साल में मैं इसके साथ था, 2014 से लेकर अब तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है 4-5-6 साल में, 2018 में बातचीत हमारी बंद हुई है, कान पकड़ लिए भाई, कान सब पकड़ लिए, नहीं करना है, इससे दूर रहो, इसके साथ एसोसिएट होना सरदर्द है, दूर रहो, मैं भाई समझ के रह रहा हूं, ये भाई को फेम मिला है, अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझने लगा है, अभी भी रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में तेरे घुसा ले, फिटनेस इंडस्ट्री का सलमान खान बनने की कोशिश मत करना, मेरी बात मेरे पे आ रही है ना, अगर बात अगर तू मेरी आईडी हैक करने की कोशिश कर रहा है, चिंदी बचकाने हरकत कर रहा है ना, तो मेरी आईडी पासवर्ड देता हूं, ले ले रख, समझ में आया क्या, रख ले, नहीं चाहिए उस पर, मेरा कुछ चलता नहीं है, उस पर खाली मेरा टाइम पास होता है।
समझ में आया, तेरा चलता है, जिस दिन तेरा अगर हैक हो गया ना भाई तो तेरा बहुत नुकसान है, फिर इतना बिठा लेना, समझ में आया। कंट्रीब्यूट कर, अच्छा कर, सब चीज फ्री कर, उसके बाद इन लोग पे पॉइंट कर, शुरू पे और इस पे, समझा। जो अच्छा कर उनको उंगली मत कर। आया बड़ा फिटनेस आइकन का छोड़ा बनता है।